हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेवन टाइप स्टिच करके दिखाऊंगा टिकी और कटोरी का, और उसको निडिल में किस तरह फिल करते हैं वो भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखें। देखें, ये कटोरी है और ये टिकी है। इन दोनों का स्टिच आज मैं दिखाऊंगा आपको सेवन टाइप। ओके, वीडियो में बने रहें फ्रेंड। फ्रेंड्स, हमने कॉटन का धागा लिया है और इस धागे में आगे में हमने गांठ लगा दिया है। अब इसको ये देखें, निडिल फिल किए हुए। अभी हम लोग यहाँ पर पहला स्टिच निकालेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर देखिए, एक सिप गिराएंगे इस तरह, अब बाकी को ऐसा फिंगर से पकड़ के रखेंगे, स्टिच करेंगे। देखिए, है ना, ये देखें, एक एक सिप को हम लोग छोड़ेंगे धीरे धीरे, एक एक। अगर कहीं दो भी गिर जाए ना, तो उसको आप निडिल से ही अपने निकाल सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर मैंने दो गिराया है आपको दिखाने के लिए, दो गिर गया ना, तभी हम लोग धागा का नीचे वाला हाथ को थोड़ा थोड़ा खींचेंगे, धागा को पकड़ के रखेंगे और ऐसा, ये देखें। आपको बहुत ज़्यादा ऊपर धागा नहीं निकालना है, बस थोड़ा धागा निकालना है, थोड़ा ही अंदर आपको कर देना है, वापस अंदर चले जाना है कपड़े की तरफ। ये देखें, अभी इसको लॉक कर देंगे। सभी वीडियो में मैं लॉक करने का तरीका भी बताता हूँ, आप ध्यान से देखें। पहला ये धागा है हमारा, फिर से हम निडिल जहाँ पर, ये देखें, ये धागा हमारा है ना, यहाँ पर हमको वापस इस धागे के अंदर से निडिल डालना है, वापस उसी जगह जहाँ से स्टिच हमारा पहले वाला निकला हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा स्टिच को ऐसा निकालेंगे, पहले वाले से थोड़ा ऊपर करेंगे, और फिर पहले वाला धागा को हुक से उसके पकड़ के रखेंगे और नीचे वाला हाथ को खींचेंगे और ये लॉक हो जाएगा। ये देखें, लॉक हो गया। अब ये सीधा टूट जाएगा, खुलेगा नहीं कभी भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको टिकी का घसीट स्टिच भी हम लोग बोलते हैं। ये देखें, यहाँ से इस तरह से, क्योंकि इसको खींच खींच करके, इसके लिए हम लोग घसीट स्टिच, एम्ब्रॉयडरी के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं घसीट। ऐसा देखें, ये ना, इसको ऐसा पकड़ के धागा नीचे वाला खींचेंगे हम लोग वापस जगह पर, फिर ऐसा स्टिच लगा, फिर इसको निडिल के पास, ऐसा हुक है ना, इसका टिकी के पॉइंट के होल के पास रखेंगे और इसको अपने तरफ खींचेंगे। ये देखें, फ्रेंड्स, अभी आपको मैं टिकी और बीड्स का नाका टिकी सी के दिखाऊंगा। एम्ब्रॉयडरी के लैंग्वेज में नाका टिकी बोलते हैं इसको। ये एक बीड्स लूँगा और ये एक टिकी लूँगा, इसी तरह से कंटिन्यू मैं इसको फिल करूँगा। एक बीड्स और एक टिकी, एक बीड्स और एक टिकी। अभी इस तरह हम लोग स्टिच को ऊपर करेंगे, थोड़ा धागा को ढीला रखेंगे और ये टिकी के होल में निडिल को डाल करके दूसरा वाला धागा निकालेंगे और धागा को खींच लेंगे। ये देखिए, इस तरह से, फिर इस तरह से धागा ऊपर करेंगे और टिकी के होल में निडिल को डालेंगे और धागा को खींच लेंगे इस तरह से। एक तरह से आप और भी बना सकते हैं। ये देखें,
इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था टिक्की के होल में ऐसा पॉइंट लेकर के, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको कंटिन्यू लदाओ जैसे स्टिच की तरह, टिक्की का लदाव भी कहते हैं, टिक्की बीट्स का लदाव है ये, इसको इस तरह से भी कंटिन्यू हम लोग कर सकते हैं, एक टिक्की एक बीट्स, एक टिक्की एक बीट्स, इसको कंटिन्यू गिराते जाएंगे। देखें दोनों में डिफरेंट, ये टिक्की फ्लाइट है और ये खड़ी टिक्की है, एक एक बीट्स एक टिक्की इस, और इसको हम लोग कटोरी टिक्की बोलते हैं, ये कटोरी की जैसा है, ये देखें है ना, कटोरी की जैसा है, इसमें थोड़ा गड्ढा होता है, ये देखें है ना, कटोरे के जैसा ऐसा। अब इसको निडिल में फिल किस तरह करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, इसको निडिल में फिल करने का यही तरीका है, एक एक इस तरह से एक एक कर सकते हैं, या चार चार यहाँ पर है देखें ऐसा एक साथ उठा सकते हैं, ये देखें यहाँ पर बहुत सारा एक साथ रखा हुआ है ना, ये देखें इस तरह से ऐसा खींच के इधर ले आएंगे। अब यहाँ पर देखें इसको भी स्टिच करने का सेम प्रोसेस सेम तरीका, बस मटेरियल चेंज, ये कटोरी है, इससे पहले मैंने आपको टिक्की का लदाव दिखाया। घसीट सीएंगे इसका कटोरी का, और ये टिक्की के उससे ज्यादा अच्छा लगता है, हम लोग चाहे तो कलरफुल धागा भी ले सकते हैं, कलरफुल धागा इसके ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है। टू लाइन बना के दिखा रहा हूं फ्रेंड, अभी ये दो है ना, इस सभी के बीच बीच में दूसरा वाला लाइन का कटोरी जाएगा, ये देखें फ्रेंड, ये कटोरी का नाका टिक्की, कटोरी का नाका टिक्की इसको कहते हैं हम लोग सिरे हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको टिक्की का नाका टिक्की दिखाया था ना, ये वाला टिक्की का सिया था, अभी ये कटोरी का दिखा रहा हूँ, सेम प्रोसेस है बस मटेरियल चेंज है। इसमें भी धागा ऊपर की तरफ लेंगे, कटोरी के पॉइंट में निडल डालेंगे और नीचे वाला धागा को खींच लेंगे,